करीब 140 दिनों के इंतजार के बाद फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 अपने ग्रैंड फिनाले तक पहुंच गया है। बिग बॉस सीजन 13 की शुरुआत काफी ज्यादा धीमी रही और हर किसी ने ये कहा कि इस बार के कंटेस्टेंट्स कर क्या रहे हैं। सीजन 13 की शुरुआत में तमाम कंटेस्टेंट्स इतने ज्यादा स्लो थे, थके हुए थे कि उन्हें देखकर एक्स कंटेस्टेंट्स का ही कहना था कि ये लोग कर क्या रहे हैं। लेकिन उसके बाद न जाने इन प्रतिभागियों के दिमाग में क्या आया, इन्होंने धमाल मचा दिया। यहाँ घर के अंदर कंटेस्टेंट्स लड़ाई झगड़े कर रहे थे और वहाँ बिग बॉस सीजन 13 टीआरपी के लिहाज से एक बड़ा हिट साबित हुआ। अंदाजा लगा सकते हैं आप शो के सक्सेस होने का इसी बात से कि 5 हफ्ते इसे एक्सटेंड किया गया। जो फिनाले जनवरी की शुरुआत में होने वाला था उसे 15 फरवरी तक रखा गया। हर चीज के दो नतीजे निकलकर सामने आते हैं, सिक्के के दो पहलू होते हैं, जहां एक तरफ लड़ाई झगड़ों के बाद शो की टीआरपी रेटिंग्स बढ़ी, वहीं इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से बिग बॉस सीजन 13 को लेकर एक नेगेटिविटी ऑडियंस के बीच फैल गई। शो में हो रहे ड्रामों के बाद बिग बॉस के कॉन्सेप्ट पर बायस्ड होने के आरोप लगे, सलमान खान पर बायस्ड होने के आरोप लगे और घर में हो रहे धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ों के बाद सेलिब्रिटीज ने कह दिया इतने पेशेंस हम में नहीं है कि हम ऐसा शो देख सके। एक रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं और उस रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे सीजन 13 में कब कब और क्या क्या ऐसा हुआ है जिसने शो की छवि खराब की। साथ ही अभिजीत सावंत से एक इंटरव्यू में बिग बॉस को लेकर सवाल किया गया और उन्होंने इस शो को देखने तक से मना कर दिया। क्या हुआ, कब हुआ और अभिजीत ने क्या कहा, सुनिए जरा। फेमस रियलिटी शो बिग बॉस के इस सीजन ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये सीजन बिग बॉस के इतिहास का सबसे सक्सेसफुल सीजन हर लिहाज से साबित हुआ है। इस सीजन की बढ़ती हुई टीआरपी रेटिंग्स को ध्यान में रखते हुए आप सब जानते हैं इसका एक्सटेंशन 5 वीक तक के लिए बढ़ाया गया, जिससे पता चलता है कि बिग बॉस सीजन 13 ने कामयाबी की बुलंदियों को छुआ है। अब इन सबके बीच में इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरह जहां एक तरफ इस शो ने हर मायने में बेहतरीन टीआरपी बटोरी है, वहीं दूसरी तरफ रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया है। जिस तरह से इस सीजन में हिंसा हुई है, जिस लिहाज से इस सीजन में तमाशे हुए हैं, उन सबके आधार पर शो को लेकर लोगों के बीच नेगेटिविटी फैली है। इस शो को लेकर हर किसी ने कहा इतनी मार धाड़ हम नहीं सह सकते, इतनी मार धाड़ हम नहीं देख सकते। शो का नया फॉर्मेट, सरप्राइज एंट्री और एग्जिट, घर में आए कंटेस्टेंट के कनेक्शन, कंटेस्टेंट में भयंकर बहस, फैन क्लब पर जिस तरह सपोर्टर्स के बीच बहस हुई है, उन सब ने जहां एक तरफ बिग बॉस सीजन 13 की टीआरपी के ग्राफ को काफी ज्यादा हाई किया, वहीं सीजन 13 को अगर एनालाइज किया जाए तो बिग बॉस के इतिहास का सबसे ज्यादा हिंसक सीजन यही रहा है। बिग बॉस के इतिहास में आज तक इतनी हिंसा कभी बर्दाश्त नहीं की गई जितनी इस बार देखी गई है। सबसे पहले आपको सिंगर अभिजीत सावंत का एक स्टेटमेंट सुनाते हैं। अभिजीत से बिग बॉस सीजन 13 को लेकर सवाल किया गया और उन्होंने इस सवाल के जवाब में कहा इतनी मारपीट, इतना लड़ाई झगड़ा मैं नहीं देख सकता। सुनिए जरा क्या कहते हैं अभिजीत। मैं रोशनी को जानता हूँ तो या उनको सब मैंने विश भी किया। सो या एक्चुअली मैं थोड़ा कम देखता हूँ बिग बॉस। मैंने लास्ट 2 सीजन
मतलब स्टार्टिंग के दो सीजन देखे थे और मराठी बिग बॉस बहुत अच्छे से फॉलो किया था, बट देन आई रियलाइज कि मैं अपने आप से फ्रस्ट्रेट होने लग गया, देन आई स्टॉप अवॉइडिंग फाइटिंग वाले शोज एट होम. तो मुझे एक टाइम में बहुत शौक था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं बिग बॉस में जाना चाहिए, यू नो मैं अपने आप को एक्सप्लोर करूँगा, अलग तरीके से वर्ल्ड देखूँगा शायद. बट देन अभी ऐसा लगता है कि बाप रे ये लोग तो मुझे मतलब ऐसा बाजार में डाल के बंद कर देंगे. तो मैं हैप्पी हूँ, बाहर हूँ मैं और खुश हूँ, जो भी हूँ ठीक हूँ भाई. बता दे आपको, अभिजीत सावंत की तरह ही कई और सितारे ऐसे हैं, अभिजीत सावंत की तरह ही कई और लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि बिग बॉस सीजन 13 ने इस बार देखने वालों के बीच नेगेटिविटी फैलाई है. बिग बॉस सीजन 13 ने देखने वालों के बीच ऐसा मैसेज पहुंचवाया है कि अब इस शो को शायद ही कोई देखना चाहेगा. बता दे आपको, फेमस रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 13 का जब जब जिक्र होता है, आसिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला की फिजिकल फाइट जहन में आ जाती है. बिग बॉस सीजन 13 का जब जब जिक्र होता है, रश्मि देसाई और सिद्धार्थ शुक्ला का चाय फेंकने वाला इंसिडेंट याद आ जाता है. बिग बॉस सीजन 13 की शुरुआत में जिस तरह से माहिरा शर्मा को धक्का सिद्धार्थ शुक्ला ने टास्क के दौरान दे दिया था, ये कुछ ऐसे पल हैं जिनकी सोशल मीडिया पर निंदा की गई है. ये कुछ ऐसे पल हैं जिनका सोशल मीडिया पर लोगों ने गुस्सा दिखाया है. जहां एक तरफ इस शो ने टीआरपी बटोरी है, वहीं शो में हो रही हिंसा पर लोग काफी ज्यादा गुस्सा भी हुए हैं. तो अगर ये सीजन बड़ा हिट साबित हुआ है, तो वहीं सीजन 13 वॉयलेंस के लिहाज से बिग बॉस के सीजन का सबसे गंदा सीजन माना जाएगा.